हाय, मैं स्वस्ति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले हैं कटहल और आलू के क्रिस्पी पकौड़े। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कटहल का छिलका हटा के कटहल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन बंद कर देंगे और गैस पे डाल देंगे और एक सीटी लगा लेंगे। ये एक सीटी लग चुकी है, अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और ये देखिए ठंडा हो चुका है, अब इसको मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। और देखिए ये पीस चुका है, अब इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। और मैंने आलू को पहले से उबाल के रखा था, तो 3-4 आलू को अच्छे ऐसे हाथ से तोड़ के और उसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, 1 लहसुन और ये धनिया पत्ता और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और बारीक कटे हरी मिर्ची। अब इसमें बेसन 2 चम्मच डाल देंगे। उसके बाद एकदम छोटी कटोरी से 1 कटोरी राइस फ्लोर और ये 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, काले मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला भी 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 चम्मच और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर चाहे तो आप डालें, नहीं तो नहीं डालें। और नमक 1 चम्मच से ज़्यादा मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब गैस पे एक कढ़ाई में तेल डाल के इसको गरम कर लेंगे और गरम होने के बाद इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा लेके डाल देंगे। अब इसको उलट लेंगे। इसको उलटते रहेंगे और ये जब गोल्डन हो जाएगा तब इसको निकाल लेंगे। ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए पकौड़े भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये मिश्रण पतले पतले होने चाहिए, ज़्यादा मोटे होने पे अंदर में अच्छे से नहीं पकेंगे। अब इसको दूसरे साइड भी उलट देंगे। जब तक ये गोल्डन ना हो जाए दोनों तरफ से इसको उलट के अच्छे से बनने देंगे, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। अब देखिए ये गोल्डन हो चुका है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये पकौड़े सर्व करने के लिए रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे ताकि टेस्ट इसका और भी बढ़ जाए। तो मेरी ये पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।